नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। आजाद कश्मीर एक छोटा सा खेता है, अगर आप यहां अंदाजा लगाएं, यहां सेक्ट्री से लेकर नीचे क्लरिकल स्टाफ तक लोगों के पास सरकारी गाड़ियां हैं और उनका जो बेदरेक का इस्तेमाल है उसमें पेट्रोल की मादा है, उसमें मेंटेनेंस है। और ऑफिस टाइम के बाद जो गाड़ियां मुजफ्फराबाद शहर में आप देखें, लोग कहते हैं पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग की किधर जगह हो। एक कौमी दौलत है ये, हम आप और हम गरीब लोगों का ये जो पैसा है इसको बेदरक लूटा जा रहा है। जो नई हुकूमत आती है उसका नया बजट होता है, नई गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, सेक्ट्रियों के लिए नई गाड़ी खरीदी जाती हैं। क्या हुकूमत ये काम नहीं कर सकती? बजाय नई गाड़ियाँ खरीदने के उन्हें पुरानी गाड़ियों को इस्तेमाल में लाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर यहाँ ट्रांसपोर्ट पूल महकमा बना हुआ है, यहाँ मेंटेनेंस का एक महकमा जिसमें हज़ारों की तादाद में मैकेनिकल स्टाफ है, लेकिन एक एक गाड़ी पे 10-10 घराने जो है वो पल रहे हैं, वो करप्शन का एक जरिया। एक सेक्रेटरी के पास दो गाड़ियाँ हैं, उससे ड्राइवर भी पैसे कमाता है, उससे वो जो बजट अफसर होता है उससे भी, वो एक गाड़ी देखें, इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। इतनी कीमती गाड़ियाँ हैं, लेकिन हुकूमत की जो अदम दिलचस्पी है, मैं ये समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि वो इन्हें नीलाम करने के बजाय इन्हें दोबारा से मेंटेनेंस करके इन्हें इस्तेमाल के काबिल लाया जा सकता है। हर हुकूमत का रवाज बन चुका है, जब कोई नई हुकूमत आती है यहाँ पे नई गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं और ख़रीदी भी बहुत महंगी गाड़ियाँ जाती हैं। ये गरीब रियासत है, इधर ये पैसा अगर आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम आए तो ये ज़्यादा बेहतर किया जाए, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, इसमें भी पता नहीं कितनी करप्शन होती होगी। जो जिन गाड़ियों की मेंटेनेंस हो सकती है उनको मेंटेनेंस करनी चाहिए इनको, लेकिन ये यहाँ पे जो है जो हुकूमत आती है वो गाड़ियों ख़रीदना शुरू हो जाते हैं और इतना पैसा इसकी मद में ज़ाया हो रहा है। अगर आप इसको सही तरीके से आप इस पर वर्किंग करें आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये रियासी वसाइल को बेदरक तरीके से लूटा जा रहा है। अस्पतालों की हालत ज़ार देखें, वहाँ एमरजेंसी में जो है बच्चों को दवाई नहीं मिलती और जो खवातीन हैं उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। गरीब लोग हैं, दूर दराज से आते हैं, उन्हें सफरी सहूलियात मैसर नहीं है, वहाँ पे रोड्स का बुरा हाल है। बजाय वहाँ पे बजट लगाने के ये एक करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, तबाह हो रही हैं। ये कौमी खजाने को टीका लगाया जाता है और ये आप किसी सियाती मुकाम का आप विज़िट करेंगे आपको सबसे ज़्यादा जो है सरकारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी मिलेंगी। आप दफ्तरी उकादकार के बाद देखेंगे मार्केट्स के अंदर ये इनके अफिसरान के बच्चे घूम रहे होते हैं। ये बजट जो है आवाम के ऊपर लगाया जाए, आवाम के खिलाफ बहबूद के ऊपर लगाया जाए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मैसर नहीं की हैं, जैसा कि पाकिस्तान में मेट्रो है, बाकी हैं, रेड बस सर्विस है, कराची में चल रही हैं, बाकी यहाँ पे आवाम को सफरी सहूलियात हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से बिल्कुल मैसर नहीं है। अगर ये बजट आवाम के ऊपर लगाया जाए तो वो उसका जो है आउटपुट भी नज़र आएगा, आवाम भी सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे और जो है आवाम का बजट आवाम के ऊपर लगेगा जिससे आवाम खुशहाल हो। आज़ाद कश्मीर ट्रांसपोर्ट के हवाले से ब्यूरोक्रेसी सरकारी ऑफिसरान के लिए ये सोने की कान है और ये पजारो लैंड है। ये तहरीकी आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप कम और पजारो लैंड ज़्यादा है। मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के ऐसे भी अफिसरान हैं जिनके पास बयक वक्त 6-6, 8-8 गाड़ियाँ मौजूद हैं और अब भी पाकिस्तान के अंदर एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी है, और अभी तक यहाँ कोई वर्कशॉप कायम नहीं हो सकी जो गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाए। यहाँ से ऑफिसर इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ जो उनके वर्कशॉपें होती हैं उनके साथ उनके कमीशन होते हैं और ये इतना बड़ा माफिया बैठा हुआ है कि जिसका इस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल काम है। अगर आईनी तरमीम वज़ीरे आज़म राजा फारूक हैदर ला सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ तवज्जो दें और एक एक गाड़ी का पुर्जा जो 75,000 में आता है उसके 1.5 लाख रुपए से ज़ायद वसूल किए जाते हैं। लाजम अमर यह है कि आज़ाद कश्मीर में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तश्कील दी जाए। पॉलिसी तश्कील देना मसला नहीं होता, पॉलिसी पर अमल दरामद करवाना असल मसला होता है और इस बार में हमेशा वज़ीरे आज़म ने कहा लेकिन फिर भी इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। आप जाप जा देखें, गाड़ियां पड़ी हुई है, ना इनका कोई तसरफ है और ना इनकी नीलामी हो रही है। जो नीलामी भी होती है वो भी फर्ज तरीकाकार के साथ होती है, उसके में भी कोई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाती। तो लाजम अमर यह है कि इस पर फौरी तौर पर तवज्जो देकर एक ऐसी
यूनानी पॉलिसी तश्कील दी जाए जिसका बराह रास्त लोगों को ताल्लुक हो। और आज ग्रेड 17 तो दूर लोकल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके पास भी गाड़ियां हैं। अगर ये गाड़ियों का इस तरह बेजा इस्तेमाल होता रहा, ये अफसरशाही इसको इस्तेमाल करती रही, इस्लामाबाद लाहौर की महंगी मार्केटों में ये शॉपिंग के लिए इस्तेमाल होती रही, तो जो मकबूजा कश्मीर से हमारे भाई आए हुए वो फटे हुए टेंटों में रहते, उनके पास कोई सहूलत मैसर नहीं, उनके पास ड्राइंग रूम मैसर नहीं, किताब मैसर नहीं, दवाई मैसर नहीं, पढ़ाई मैसर नहीं। तो जब तक ये तफावत हम नहीं ख़त्म करेंगे तो हम मकबूजा कश्मीर में चलने वाली उस तहरीक को क्या पैगाम देंगे कि हमने कौन सा यहाँ तीर मारे। एक इसका वायदा है कि फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कानून साजी की जाए और इस पर इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक साफ शफाफ मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया जाए। दफ्तरी औकात के बाहर एक जो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पूल यहाँ बना हुआ है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी की जाएँ। ग्रेड 18 से अबव का ऑफिसर खुद गाड़ी उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यहाँ लोगों के बच्चों, रिश्तेदारों, बेटों, भतीजों, मेहमानों के हाथों में गाड़ियाँ होती हैं। वो कभी मरी में एक्सीडेंट होती हैं, कभी पिरचरासी में, कभी वादी नीलम में, कभी लीपा में, तो फिर वो उसी तरह उनकी कार्रवाइयाँ हो के कौमी ख़जाने को जो टीका लगाया जाता है इस तरफ तोजह ही कोई नहीं देता। ये सोने की कान भी है और ये कौमी वसाइल को दिम की तरह चाट रहे। मैं आपको राज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक एम इशू पर तोजह दी।